प्रतापगढ़ में धर्मांतरण के आरोप में दलित महिलाओं और बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई। बच्चों और महिलाओं समेत 20 लोग से अधिक जख्मी हो गए। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मामले की जांच में जुटी है। दूसरे पक्ष से भी तहरीर मिलने पर पुलिस सक्रिय हो उठी है। मामला प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़ थाना इलाके के राय काशीपुर गाँव का है, जहां राम कुमार गौतम अपने घर पर यीशु दरबार लगाने के साथ गांव के दलित बस्ती के लोगों के साथ कीर्तन और प्रार्थना कर रहा था। इसी बीच गांव में यह खबर फैल गई कि कीर्तन के बहाने दलितों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसके बाद सोमवार की शाम 4 लग्जरी वाहन से पहुंचे 2 दर्जन से अधिक असलाह से लैस दबंगों ने भजन कर रहे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को लाठी डंडे से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। प्रार्थना सभा के पास दीवार को भी ढा दिया गया, फोटो और धार्मिक चिन्हों को भी तोड़ दिया गया। हमलावरों ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की। आधा दर्जन से अधिक बाइकों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने रामकुमार गौतम की तहरीर पर गांव के ही राजेंद्र सिंह, रोहित सिंह, शिवम पांडे और विवेक तिवारी के अलावा 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। सर, हम लोग ये प्रार्थना कर रहे थे आराधना स्तुति कर रहे थे यीशु मसीह, लेकिन वो लोग पता नहीं, हम नहीं जानते थे किस कारण हम लोग को वहाँ पर दहशत कागज मार के फेर भी किए, चार फेर भी हुआ और दहशत हाथियों से मारे, बाल गिराए, कुर्सी तोड़े, सारे तन्नी बनी फाड़ फूट के सारे तोड़ा और सारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मारा। जी सर, हम लोग कीर्तन भजन आपस में कर रहे थे तो रजिंदर सिंह पुरानी रंजिश की वजह से करीब 30-35 लोगों को 3 4 व्हीलरों के साथ आए हथियार के साथ, जी हमें जान से मारने की धमकी मारे और हम किसी तरह बच निकले और 4-5 फायर किए गए, प्लस उन लोगों ने बहुत मारा सभी लोगों को, 200 लोग घायल हो गए हैं। उसके बाद वो लोग निकल भागे, महिला बच्चे और बड़े बुजुर्ग सभी मार चुट गए हैं और 3 हथियार थे साथ में। जी सर, 3 हथियार जान से मारे थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने रामकुमार गौतम की तहरीर पर 4 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया था। फिर दूसरे पक्ष की ग्राम प्रधान विनोद सरोज की तहरीर पर रामकुमार गौतम और 5 नामजद समेत 200 अज्ञात के खिलाफ धर्मांतरण की धारा 295 के 147, 307 और धारा 452 के अंतर्गत FIR दर्ज कर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। कल एक रामकुमार गौतम नाम का व्यक्ति है जो ईसाई धर्म स्वीकार किया हुआ, वो अपने कुछ लोगों को बुला के धर्मांतरण संबंधी या ऐसे ही पूजा पाठ संबंधी कुछ कार्य कर रहा था। वहां पर आपस में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया जिसमें मारपीट हो गई है। तो एक तरफ से इन्होंने उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और दूसरे पक्ष ने ही तहरीर दिया है, उस पर भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कुछ लोग घायल भी हुए सर? हाँ, इसमें 9 लोगों का मेडिकल कराया गया है। बाइक उनकी क्षतिग्रस्त हुई है? बाइक भी आपस में मारपीट में बाइक भी क्षतिग्रस्त की है, इसका मुकदमा लिखा गया। सर, जैसे धर्मांतरण का मामला आ रहा है तो क्या तनाव भी होगा, तो पुलिस पुलिस भी तैनात होगी वहाँ? जरूर वहाँ पर मौके पर हल्के के ऐसा ही और 4 कांस्टेबल लगाए गए हैं ताकि कोई और भी बात न। कब से चल रहा सर धर्मांतरण? ये कल की बात है, कल झगड़ा सामने आया, इससे पहले आपस में लोग करते रहे होंगे लेकिन कोई मैटर इस तरह का प्रकाश में। प्रतापगढ़ में धर्मांतरण के मामले को लेकर पहले भी बवाल हुए हैं। हिंदुवादी संगठन दलितों को बहला फुसला कर धर्मांतरण के आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि दूसरा पक्ष इससे इनकार करता रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन का रवैया ऐसे मामलों में उदासीन ही रहा है। इन सब के बीच धर्मांतरण के आरोप लगाकर जिस तरह से मासूम बच्चों और महिलाओं की पिटाई की गई, उसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। प्रतापगढ़ से समाचार टुडे के लिए विकास गुप्ता की रिपोर्ट।